आखिर क्यों नहीं रुक रहा है अवैध खनन का कारोबार? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खनन माफियाओं के हौसले इस तरह से बुलंद हो गए हैं कि उन्हें ना तो सरकार का डर लगता है और ना ही कानून का। तभी तो रात के अंधेरे में खनन माफिया मिट्टी का काला कारोबार करते हैं। यह मामला है लखनऊ के बक्सी तालाब तहसील क्षेत्र का और ये आरोप लगाया है हिंदू विश्व परिषद के जिला अध्यक्ष एडवोकेट राम प्रकाश सिंह ने। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री सहित डीएम, एसपी, एसडीएम, जिला प्रशासन और जिला खनन अधिकारी भूतल व खनन निदेशालय उत्तर प्रदेश को मैंने एक शिकायत पत्र लिखा और अवगत भी कराया कि इस पर कार्रवाई हो, लेकिन गवर्नमेंट के अधिकारी कुंभकर्णी नींद से अभी तक नहीं जागे, जिसका पूरा फायदा खनन माफियाओं को मिल रहा है और इसी का फायदा उठाकर वो रात के अंधेरे में मिट्टी का काला कारोबार करते हैं। आपको बता दें कि पीएमएवाई बसंत कुज योजना के वर्क आर्डर पर खनन की अनुमति लेकर खनन माफिया के द्वारा मिट्टी खोदकर निजी हाथों में महंगे दामों पर लगातार बेचने का काम किया जा रहा है। शिवपुरी ग्राम पंचायत की गाटा संख्या 62 पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बसंत कुंज सेक्टर में 768 आवासों के कार्य का वर्क आर्डर लगाया गया है। एडवोकेट राम प्रकाश सिंह कहते हैं कि जिला लखनऊ के पास बनने वाले ब्राइट मोटर्स के शोरूम के लिए महंगे दामों पर इन मिट्टियों को बेचा जाता है। इसकी जानकारी तहसील प्रशासन में पुलिस को भी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लगातार ओवरलोडिंग से जहां रास्ते खराब होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पढ़ने वाले छात्रों, महिलाओं, व्यापारियों तथा क्षेत्रीय नागरिकों के अलावा अति आवश्यक सेवा वाली एम्बुलेंस को भी पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे आम लोगों में रोष व्याप्त हो गया है। रात में असित रोड पर 9 से डंपरों का आवागमन शुरू होता है और सुबह 6 तक चलता है, जबकि चौराहे पर रात्रि गश्त में वहां पुलिस भी मौजूद होती है, लेकिन उसके आंखों में पर्दा पड़ा होता है। उसे कुछ नहीं दिखाई देता है कि कहां अवैध कारोबार होता है। इस मामले में काफी अधिकारियों से इंडिया टाइम समाचार एजेंसी ने बात किया है। उत्तर प्रदेश के सचिवालय प्रशासन लेवल पर भी अधिकारियों से बात की गई है। अब देखना यह है कि ये अधिकारी अपनी नींद से जागते हैं कि ये भी सोते रहेंगे। इंडिया टाइम समाचार एजेंसी के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।